सुनो, सब ले लिया? हाँ। कुछ छूटा नहीं है ना, वरना लेट हो जाएगा। सुनो, मैं बोल रही थी आई बाबा बोल ही रहे हैं तो क्यों ना पूजाने के बाद चले। अंजलि, कुछ नहीं होने वाला, चलो जल्दी निकलते हैं और जो कुछ भी होगा देख लेंगे ना, है कि नहीं? अरे यार बैठो, हम अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं, लग्न जाड़जन यार संभलत की नहीं, वैसे भी वहां पे तुम्हें परेशान करने के बहुत मौके मिलने वाले हैं मुझे। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं, एक दो दिन रुक जाते हैं ना, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। अरे मैं 10 बार बोल चुका हूँ हम नहीं रुक सकते, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? तुम्हारी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, बच्चे को कोई खतरा नहीं होगा, मैंने कहा ना। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्या इमरजेंसी है कि आप ऐसा। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना तुम्हें, फटाफट तैयार हो जाओ, चलो निकलना है हमें। दामाद जी आप खाओ खाओ परेशान हो रहे, और वैसे भी डरने की कोई बात तो है नहीं। ससरे बुआ मतलब आईते भी काय करते हो, ये मेरा घर का मामला है, आप बीच में मत बोलिए, मैंने डिसाइड कर लिया है आज हम लोग जा रहे हैं बस। अरे बेटा लेकिन मंजूषा पेट से है, इसका तो थोड़ा ख्याल रखो। तुम आ रही हो या नहीं? क्या हो? लगी है भाई। तैयार हम से। सोहम, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेरी टेंशन क्यों नको, अपने हॉस्पिटल में जाओ यार। भाऊजी लवकर। हेलो रे हेलो, 2 मिनट। आसपास में अच्छी तरह से चेक करो। मर चुका है ईशंदे। सर वह झाड़ी में भी एक डेड बॉडी है, उसको गोली लगी है। जिंदे इनकी अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कोई आइडेंटिटी मिल जाए, टॉर्च या मोबाइल कुछ भी। ओके सर। सर गाड़ी में 4 आइडेंटिटी कार्ड मिले, जिसमें से 2 आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर के सरनेम सेम है और बाकी 2 आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर के सरनेम सेम है, मतलब ये दोनों कपल है, और सर मुझे लगता है कि ये चारों एक ही फैमिली के हैं। सर हाईवे पर लूटपाट का मामला दिखाने की कोशिश की गई है लेकिन वैसे है नहीं, क्योंकि गाड़ी में मोबाइल पर्स सब कुछ वैसे के वैसे ही है। हो सकता है लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। शिंदे किस आदमी को बाथरूम लगी हो, इसीलिए इसने हाईवे से गाड़ी नीचे 50 मीटर दूर यहाँ कच्चे रास्ते पर रुकी, और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला इन पर किसी ने हमला कर दिया और सबको मार दिया। एक काम करो, इस पूरे एरिया की तलाशी लो, शायद कोई सुराग मिल जाए। ओके सर। चलो मर चुकी है, एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर ये लड़की तो जिंदा है। क्या? जल्दी से इसे गाड़ी में डालो और पास के हॉस्पिटल में लेकर चलो, इसका बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाईवे का सफर जहां एक तरफ इंसान को वक्त पर या कई बार वक्त से पहले पहुंचने की सहूलियत देता है, तो
वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के कारणों में कमी की वजह से यह भी देखा गया है कि वक्त पर पहुंचना तो दूर, कई बार इंसान अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाता क्योंकि कोई अनहोनी या हादसा उन्हें पहले ही जिंदगी से दूर ले जाता है। हाईवे पर होने वाले हादसों के आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, और सुरक्षा की इसी अनदेखी का फायदा उठाते हैं वो गैंग जो हाईवे पर लूटपाट करते हैं। क्या ऐसे ही किसी गैंग की हरकत थी ये चार लोगों की हत्या की कोशिश, जिनमें से तीन लोग मर चुके थे और एक अब भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी? आखिर आने वाले पलों में क्या लिखा था उसके लिए? चिंदे, क्या रिपोर्ट है यहाँ की? सर, ऑपरेशन चल रहा है, शायद लड़की बच सकती है। चिंदे, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, ये चारों एक ही परिवार से थे। इनमें एक कपल था, सोहन और अंजलि माने, और जिस आदमी की डेड बॉडी हमें गाड़ी के बाहर झाड़ियों के पास मिली उसका नाम था प्रताप शिर्के, जो मंजूषा का पति था। मंजूषा और सोहम दोनों सगे भाई बहन हैं। मंजूषा और प्रताप सोहम की शादी के लिए कोल्हापुर आए थे, और जब इन पर हमला हुआ तब ये लोग अपने घर वापस जा रहे थे पुणे। मैंने इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया था, वो आए हैं क्या? सर, उन्हें मॉर्ग रूम ले जाया गया है बॉडी की शिनाख्त के लिए। कंधे में लगी गोली को तो हमने निकाल दिया है, पर क्योंकि खून काफी बह चुका था इसलिए रिकवर होने में टाइम लगेगा। वैसे अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, इस हादसे में उनको अपना बच्चा भी खोना पड़ा, इसलिए सिर्फ फिजिकल ही नहीं मेंटल डैमेज भी होगा। आप लोगों को उनका खास ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा उनका। सावित्री, संभाल अपने आप को। सर, ये उन हिस्से शीटर्स की लिस्ट है जिनका हाईवे पर लूटपाट करने का रिकॉर्ड है। चिंदे, मुझे नहीं लगता ये काम हाईवे पर लूटपाट करने वालों ने किया है। इसकी दो वजह है। पहली वजह ये है कि वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पुलिस को उनका कोई भी हिंट ना मिले, और दूसरी वजह ये कि अगर ये मामला लूटपाट का होता तो कैश, मोबाइल, ज्वेलरी सब गायब होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ बरामद हुआ। सर, ये बैलिस्टिक रिपोर्ट। चिंदे, इस बैलिस्टिक रिपोर्ट से मेरा शक और पक्का हो गया। देखो, गोली किसी हाई एंड गन से चली, और हाईवे पर लूटपाट करने वाले लोग देसी कट्टे का इस्तेमाल करते हैं। सर, ऐसा भी हो सकता है कि चारों में से किसी एक से प्रॉब्लम हो और बाकी तीन लोग हादसे का शिकार हो गए हो। लेकिन चिंदे, ये भी हो सकता है कि दुश्मनी सिर्फ एक से नहीं बल्कि पूरी परिवार से हो। इस बार परिवार पूरा इकट्ठा था, इसीलिए हमला हो, और ये पता करने के लिए हमें सोहम, अंजलि, मंजूषा और प्रताप, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, और उनकी भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं। सर, मंजूषा के पिता जाइए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि चारों एक साथ कैसे थे। मतलब? सर, वैसे तो इन चारों को पुणे जाना था, पर सोहम और अंजलि पहले निकले थे। थोड़ी देर बाद में मंजूषा और प्रताप निकले थे, दोनों अलग अलग गाड़ियों से। अच्छा, ये बताओ कि चारों को पुणे जाना ही था तो दो अलग अलग गाड़ियां क्यों नहीं? सोहम और अंजलि को हनीमून के लिए जाना था, नई नई शादी और थोड़ी प्राइवेसी, इसीलिए अलग अलग गाड़ियों में गए। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि आजकल के बच्चों को समझाना कितना मुश्किल है, इसलिए हमने मना भी नहीं किया था। सर, मुझे अभी अर्जेंट निकलना पड़ेगा, क्या है कि सातारा में मुझे अर्जेंट काम है। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको जल्दी वापस आना पड़े। चंदे, कमाल का आदमी है, बेटा, बहू और दामाद मर चुके और बेटी हॉस्पिटलाइज है, लेकिन इसे अर्जेंट वर्क से सातारा जाना है। सर, मुझे नहीं लगता कि जनार्दन हमें सब कुछ सच बता रहा है, बात कुछ और है और ये बता कुछ और रहा है। बच्चा, मेरा बच्चा, क्या हुआ?
प्लीज आप रेस्ट कीजिए। मेरा बच्चा। शांत हो जाइए प्लीज। मेरा बच्चा। प्लीज आप शांत हो जाइए। मेरा बच्चा। सर, हॉस्पिटल से फोन आया था, मंजूषा को होश आ गया है। याद करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ कल क्या हुआ था? मैं आज प्रताप ऊना जा रहे थे, बीच में सोहम का फोन आया था। हाँ 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 सोहम, क्यों नहीं, बस दो मिनट लगेंगे। सोहम का फोन था, वो आगे हाईवे पर खड़े हैं, उनकी टैक्सी खराब हो गई है, उसे और अंजलि को आगे से पिकअप कर लेते हैं। अरे हम लोग अभी तक हाईवे पर पहुंचे नहीं है और उनकी टैक्सी खराब हो गई, उन्हें कहना दूसरी टैक्सी पकड़ के आ जाए। क्या हुआ? हाँ नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं, ठीक है पिकअप कर लेंगे उन्हें। कल तुम्हारी कैब से तुम अंजलि और सोहम को पुणे लेकर जा रहे थे ना? हाँ साहब, मैं ही लेकर जा रहा था उनको, लेकिन अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, इसलिए मैंने उनको हाईवे पे ही छोड़ दिया। क्या ये वही दोनों हैं जिन्होंने अंजलि और सोहम को लिफ्ट दी थी? हाँ साहब, ये वही। प्रताप ने अंजलि और होम को हाईवे से पिकअप किया था। अंजलि तुम बहुत स्मार्ट हो, नहीं राइट टाइम पे सोहम के साथ घर अलग बसाने का डिसीजन ले लिया, वरना इनके घर वाले तुम्हारे घर में कभी शांति रहने ही नहीं देते। आओ भाऊजी, चार दिवस झड़े लग रहा है, कभी तो अच्छा बोलो फैमिली के बारे में। तो गलत कह रहे हो उनका कुछ। क्या क्या पीछे ले सकते हैं, बहुत पेट में दर्द कर रहा है। ताई ताई क्या हुआ? पानी दो पानी दो। अरे थोड़ा सहन कर लो, इनको पुणे भी छोड़ना है और हमें आगे जाना है। भाऊजी ताई की तबीयत इंपॉर्टेंट है या पुणे जाना? भाऊजी आगे से एक राइट है, वहाँ शॉर्टकट है, हम जल्दी जा सकते हैं वहाँ से। ठीक है। चोर की लगे जा क्या? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ताई टेंशन क्यों लोगों, अपने हॉस्पिटल में जाओ या। भाऊजी लवकर। हेलो रे हेलो, दोन मिनट तैयार हम सीखा। ए, 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 क्या कर रहे? इंस्पेक्टर साहब, आपको इन्हें थोड़ा और वक्त देना होगा। ठीक है डॉक्टर, आप जरा हमारे साथ आइए। डॉक्टर हमें इनसे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कितना टाइम लगेगा इन्हें रिकवर होने में? कितना टाइम लगेगा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ रिकवर होने में टाइम तो लगेगा, और आप लोगों के सवालों से उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। वो वैसे ही मेंटल और फिजिकल ट्रोमा में है, एक तो शूट आउट की वजह से और दूसरा वो अपना बच्चा खो चुके हैं। थैंक यू डॉक्टर। शिंदे मुझे ऐसा लगता है जिसने भी ये कत्ल किया है उसका टारगेट प्रताप था, या शायद मंजूषा और प्रताप दोनों, और ये सोहम और अंजलि गेहूं के साथ गुण की तरह फिस गए। सर लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि इस प्रताप को मंजूषा के माँ बाप से क्या प्रॉब्लम थी कि उसने शादी करके आई हुई नई बहू को भड़काने की कोशिश की। अंजलि तुम बहुत स्मार्ट हो, नहीं राइट टाइम पे सोहम के साथ घर अलग बसाने का डिसीजन ले लिया, वरना इनके घर वाले तुम्हारे घर में कभी शांति रहने ही नहीं देते। हो सकता है वो सच बोल रहा हो या फिर अपनी कोई कमी छुपाने की कोशिश कर रहा हो। इस प्रताप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मंजूषा के बाप से मिलेगी। उसका बाप सितारा में कुछ अर्जेंट काम के लिए गया हुआ ना, वापस आया कि नहीं? हाँ सर, मैंने एक कांस्टेबल उसके पीछे लगाया था, अभी वो अपने घर पर ही है। प्रताप सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, उसने मेरी बेटी की कभी फिक्र नहीं की, हमेशा मेरी मंजूषा को दुख दिया है उसने। अरे चार लोगों के बीच उसे बेइज्जत करता था। सर सच कहूं तो प्रताप बहुत गुस्से वाला आदमी था, यहां तक कि उसने मेरे सोहम पर कोर्ट केस भी कर दिया था हमारी अपनी जमीन हथियाने के लिए। वो सबको गालियां देता था,
किसी की इज्जत करना तो उसे आता ही नहीं था। इसलिए तुमने उसे तंग आकर जान से मार दिया है ना? सच कहूं तो हाँ, मैं उसे तंग आ गया था, पर मैंने उसका खून नहीं किया। मैं अपने बेटे बहू को क्यों मारूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा सर। चल देख, इस जनार्दन की कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकालो, क्योंकि ये सिर्फ प्रताप से ही नहीं, सोहम और अंजलि से भी गुस्सा था, क्योंकि अंजलि के कहने पर सोहम अलग घर लेकर रहने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन सर फिर जनार्दन मंजूषा को क्यों मारेगा? चिंदे ये मत भूलो कि गोली मंजूषा के कंधे पर लगी है, और कंधे पर गोली लगने से कोई मरता नहीं है। मत रो बेटा, कितना रोएंगे। मर जाना चाहिए था मुझे इस नाक जैसी जिंदगी में। बच्चा ही तो एक सहारा था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा, किसके लिए जीऊंगी? नहीं बेटा, रोते नहीं, मेरी बात सुन। वो प्रताप ने तो तेरी जिंदगी वैसे भी नरक बना के रखी थी, और अब तो तेरा बच्चा भी नहीं रहा। सुन, अब तो तेरी जिंदगी आजादी से अपने तरीके से जी सकती है बेटा। 30 साल की उम्र में विधवा बनकर मैं कैसे आजाद हो सकती हूँ? सर हमने जनार्दन के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की है, कत्ल के वक्त जनार्दन का मोबाइल लोकेशन हाईवे के आसपास का नहीं था। और सर ये सोहम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सोहम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोहम के बॉडी पर गोली के अलावा कुछ चोट के निशान पाए गए, वो ज्यादा पुराने नहीं थे और उसमें से कुछ घाव भर भी चुके थे। इसका मतलब कुछ दिन पहले सोहम की किसी से लड़ाई हुई थी और उसने सोहम को बहुत बुरी तरह से मारा भी, लेकिन क्यों? और ये बात उसके घर वालों ने हमसे छुपाई क्यों? झगड़ा हुआ था कब? हमें तो कुछ पता भी नहीं जी। सर हो सकता है वो झगड़ा यहाँ नहीं बल्कि पूना में हुआ हो, इसलिए हमें कुछ नहीं पता, और उसने हमें कुछ बताया भी नहीं था। अगर उसका झगड़ा यहाँ नहीं पूना में हुआ तो इसके बारे में आपको पता तो होगा ही। सर मैं तो बीमार थी। सर क्या हम सोहम की बॉडी के साथ साथ अंजलि की बॉडी को भी क्लेम कर सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अंजलि के घर वाले आएंगे। सर जनार्दन सच बोल रहा है, अंजलि के घर वाले अंजलि और सोहम के शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, यहाँ तक कि वो अंजलि के शादी में भी नहीं आए। इसका मतलब मर्डर का मोटिव अंजलि के परिवार वालों के पास भी है, क्योंकि अंजलि ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और ये मर्डर उसी का परिणाम। शिंदे अंजलि के परिवार वालों का एड्रेस निकालो और उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करो। ओके सर, हमें भी बिरादरी में रहना है, दूसरी जाति में बेटी को देते तो समाज को क्या मुंह दिखाते। अंजलि को बहुत हमने कोशिश की सोहम से दूर रखने की, यहाँ तक कि उसे कमरे में भी बंद कर दिया था। हमें लगा सब खत्म हो गया, पर अंजलि ने हम सब की नाक कटवा दी। वो सोहम के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर ली। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने उनका खून कर दिया। हमें यह भी पता है कि शादी के कुछ दिन पहले तुमने सोहम के साथ मारपीट भी की थी। सर इस वजह से आप अगर हम पर यह इल्जाम लगा सकते हैं तो कोई और भी है जिनके मुंह पर इन्होंने शादी करके कालिख पोत दी थी, जिनको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई तुझसे शादी करके। पनौती बन के आई तो उसकी जिंदगी में कभी सुख नहीं दिया उसे, और अब उसकी जान ले ली तूने, मनहूस कही की। अरे तू क्यों नहीं मरी उसकी जगह पे? तुम सबने मिलकर जान ली है मेरे बेटे की। समधन जी ये क्या कह रही हैं आप? हादसे में आपने अपना बेटा ही नहीं बल्कि हमने भी अपने बेटे बहू को खोया है, तो भला हम अपने बेटे की जान क्यों लेंगे? ये मुझसे नहीं खुद से पूछिए, सब पता है आपको। सर सोहम के बैंक अकाउंट डिटेल से पता चलता है कि 8 तारीख को सोहम के डेबिट कार्ड से 4,000 रुपए का बिल हॉस्पिटल में पेड हुआ था। उसे काफी सारी चोटें आई थी, इस वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। उसे हॉस्पिटल लेकर कौन गया? सर उसके कुछ फ्रेंड और उसके बाप जनार्दन ने उसको एडमिट करवाया था।
इसका मतलब उसके पिता को इस बारे में सब कुछ पता, फिर उसने हमसे झूठ क्यों बोला? यह है सोहम की शादी का कार्ड, जिस पर लड़की का नाम अंजलि नहीं नेहा है। अब और कुछ छुपाने की कोशिश की ना तो अगली बार पूछेंगे नहीं, उगलवाएंगे, समझे? सर नाम तो बदल ही सकते ना, पंडित जी ने कहा था कि ये नाम अच्छा नहीं है, नेहा नाम शुभ है, इसलिए हमने नेहा नाम छपाया। अच्छा, पंडित ने बाप का नाम भी बदलने के लिए कहा था? देखो इसे, इस पर बाप का नाम रघुनाथ भोसले लिखा हुआ है, कॉर्पोरेटर। तुम्हें पहले एक सांगा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे डर कर सच छुपा रहे थे? मैं भला उससे क्यों डरूंगा? अच्छा, उससे नहीं डरते? फिर उस दिन तुमने झूठ क्यों बोला था कि तुम्हें नहीं पता कि सोहम को किसने मारा, बल्कि तुम ही उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे? उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज दिखाऊं ताकि सब कुछ याद आ जाए? मैं ये नहीं कहती कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो भूलना इतना आसान है, पर कोशिश तो कर। नसीब में जो कुछ भी लिखा है वो हम बदल नहीं सकते, ना ही मिटा सकते हैं। शायद इसीलिए भगवान ने हम औरतों को सहन शक्ति दी है, ताकि जो कुछ भी दुख हो हम हंस के पी जाए। यहाँ से तुझे हिम्मत मिलेगी, शांतिपूर्ण मेल, तू बस हाँ प्यालेस। पंडित जी, मेरी बेटी मंजूषा के नाम से पूजा कीजिए। रोहन भोसले, सोहम के साथ तुमने मारपीट की थी ना? हाँ की थी, और सिर्फ मारपीट नहीं, हड्डियां तोड़ी थी उसकी। पर आप साबित कैसे कर पाओगे? उसकी चिंता तुम मत करो, ये हमारा काम है, हम कर लेंगे, तुम सिर्फ अपनी हड्डियों का ख्याल रखो। अरे सर अंदर चल के बात करते हैं ना, अब भी क्या बच्चे की बात का बुरा मान गए? दरअसल अपनी बहन से बहुत प्यार करता, जब सोहम ने उसका मजाक उड़ाया तो गुस्से में आकर इसने उसके साथ मारपीट की। शर्म आनी चाहिए आपको, अपने बेटे को समझाने की बजाय इसी की शर्ट ले रहा, इसने कानून को अपने हाथ में लेने की गलती की है और इसे बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ सर गलती होगी, बच्चा है, गर्म खून है, गुस्सा जल्दी आ जाता है इसे। ये भी तो हो सकता है इसी गुस्से में इसने सोहम, उसकी वाइफ और उसके ब्रदर इन लॉ तीनों का खून किया, और गर्म खून को ठंडा करना हमें अच्छी तरह से आता है। सर आप गलत समझ रहे, इसने सिर्फ मारपीट की है, किसी को मारा नहीं। इसने नहीं मारा तो आपने मारा है? सर मैं किसी को क्यों मारूं, मैं तो भगवान का शुक्र मानता हूँ, ये सब शादी के पहले हुआ। शादी के बाद अगर अंजलि आ जाती तो ये सोहम मेरी बेटी को छोड़ के भाग जाता, तब सोचो तो मेरी बेटी का क्या होता। कम से कम उसको आजकल 1000 रिश्ते आ रहे हैं, लड़कों की कुछ कमी नहीं है। हेलो, क्या आज सुबह हम दोनों मंदिर गई थी, मैं अंदर पूजा करने के लिए चली गई, बाहर आके देखा तो मंजूषा बाहर नहीं थी, मैंने उसे ढूंढा, वहाँ एक सुनसान जगह पर बैठी हुई मिली। मंजूषा देखा तो काय के इकड़े काय करते हैं, काय का? मैं मंदिर की परिक्रमा कर रही थी। जैसे ही मंदिर के पीछे की तरफ पहुंची तो मुंह पर कंबल होने की वजह से मैं देख ही नहीं पाई कि कौन था। हाईवे पर हमला हुआ और सिर्फ मंजूषा बची, लेकिन उसने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया, और आज भी उस पर हमला हुआ और उसने कुछ नहीं देखा। मुझे लगता है ये मंजूषा मेन टारगेट, या शायद इन मर्डर्स के पीछे मंजूषा ही। शिंदे काम करो, इस मंजूषा पर नजर रखो और इसकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डिटेल्स सब कुछ निकालो। ओके सर। मंजूषा तूने पुलिस से झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ आई? यही कि तुझ पर जिसने हमला किया उसे तूने देखा ही नहीं। क्योंकि आई मैंने सच में नहीं देखा, उसने मेरे ऊपर कंबल। चुप कर, जब मैं वहां पहुंची तब वहां कोई कंबल वंबल नहीं था। क्या बात है बेटा, किसे बचाना चाहती है?
सुनील, मंदिर में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, सबकी फुटेज निकालो। क्यों इसे लेके जा रहे हो आप? क्या किया इसने? सर, सर हुआ क्या? कहाँ ले जा रहे हैं? क्या किया है? हमें कुछ पूछताछ करनी है, चलाओ। मंजुषा, ये देखिए, जिस टाइम मैं मंदिर की परिक्रमा कर रही थी, ये उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज है। इरफान, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी से पहले तक हमारा अफेयर चल रहा था। हम दोनों के धर्म अलग अलग थे, इसलिए मेरी फैमिली ने मुझे उससे शादी नहीं करने दी और ज़बरदस्ती मेरी शादी प्रताप से करवाई, क्योंकि प्रताप ने मेरे बाबा के बिजनेस में पैसे लगाए थे। जब बाबा का बिजनेस डूब रहा था, प्रताप बहुत ही एरोगेंट और गाली गलौज करने वाला आदमी था। वो मुझे हमेशा नीचा दिखाता था। मेरी जिंदगी तो जैसे नर्क बन चुकी थी। रोना बंद कर। उसका जब भी मन करता था मारता था। सभी लोग मुझसे सिंपैथी जरूर रखते थे, पर कोई मेरी हेल्प नहीं करना चाहता था। और फिर 4 महीने पहले एक दिन अचानक इरफान मिला। उसके बाद अक्सर वो मेरा पीछा करता था। मैंने कभी भी उसे पलट कर नहीं देखा, पर वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। मेरा पीछा करता रहा, मुझे फोन करता रहा। कोई मेल नहीं मिला अभी तक, मिलना तो चाहिए। हाँ, फिर मैंने आखिरी बार मिलकर इरफान को समझाने का सोचा और उसे मिलने बुलाया। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। आके तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। इरफान प्लीज, दूर रहो मुझसे। अब मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरा पास्ट हो, प्रताप मेरा प्रेजेंट है। अरे पर ये अचानक से क्या हो गया? इरफान, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैंने इरफान वाली बात किसी को भी नहीं बताई। मुझे डर था कि अगर प्रताप को ये बात पता चली तो वो मुझे जान से मार देगा। और कल जब मैं मंदिर गई तो चल इरफान, तुम तेरे साथ बात करनी है, चल। छोड़ो मुझे इरफान, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? मंजुषा, तुम्हें ये हो क्या गया है? क्यों तुम उससे दूर भाग रही हो? अरे अब तो तुम्हारा पति भी नहीं है, अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। प्लीज दूर रहो मुझसे। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। कमीनी साली, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार डालूंगा तुझे। मैंने ये बात इसलिए नहीं छुपाई थी क्योंकि मैं डर गई थी, बल्कि इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बातों का यकीन कोई नहीं करेगा। सब यही मानेंगे कि मेरा और इरफान का अभी भी अफेयर चल रहा है, जबकि मैंने उसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं रखा। सब यही समझेंगे कि मैंने मेरे पति का कत्ल करवाया है और उसके कत्ल की साजिश में मुझे भी घसीट लेंगे। देख, तेरे मोबाइल लोकेशन से हमें पता चल चुका है कि 8 तारीख को जब मर्डर हुआ तब तू हाईवे पे था। चल सच सच बता, तूने मंजुषा के लिए प्रताप को मारा ना? इरफान का घर है? हाँ, कही है। आप कौन? मैं उनकी बीवी। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है।
ये रहा आपके घर के तलाशी का वारंट। बाविस कर तावड़े कारम कोबरा पिन झुंगाड़ा। ओके सर। सर पूरा घर ढूंढा, गन कहीं नहीं। सर इतने पन कहीं नहीं मिले। बोल बोलता हूँ मारना मत साहब, मैं मंजूषा और उसके पति का पीछा कर रहा था। मंजूषा मेरी बात को मान ही नहीं रही थी। मैंने सोचा कि उसकी पति की पिटाई करके उसे धमकी दूंगा तो वो अपने आप हमारे रास्ते से दूर हो जाएगा। फिर आगे रास्ते में उन्होंने किसी दो लोगों को गाड़ी में बिठाया। मैंने सोचा कि ये दो लोगों को मैं नहीं संभाल पाऊंगा। फिर साहब आगे रास्ते में मैं एक ढाबे पर रुक गया था। शाम 5:30 बजे तक साहब मैं उधर ही था। माँ का सम साहब मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। वैसे भी प्रताप ने घर और बाहर इतने सारे दुश्मन पाल के रखे थे कि वैसे भी ये काम कोई भी कर सकता था। साहब साहब बोल, तू कहना क्या चाहता है? साहब प्रताप ने एक लड़की को यूज करके फेंक दिया था साहब, ये बात उसकी पूरी फैमिली जानती है। लेकिन कोई नाम नहीं लेगा साहब, क्योंकि उसका नाम लेगा तो उनकी बदनामी होगी। सर मर्डर स्पॉट से वो ढाबा लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने ढाबे पर जाकर पूछताछ की तो पता चला कि इरफान सच बोल रहा है। जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त इरफान उस ढाबे पर ही था। शिंदे मुझे ऐसा लगता है कि मर्डर का प्लान इरफान और मंजूषा ने मिलकर किया है। दोनों के पास वजह थी। इरफान मंजूषा को पाना चाहता था और मंजूषा अपनी शादी से मुक्ति। शायद मंजूषा के दिल में इरफान के लिए वापस से फीलिंग पैदा हो गई, इसीलिए उसने उसको बचाया। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिल रही है मुझे, जो ऐसी औलाद पैदा हुई है मेरे घर में। एक ने शादी करके समाज में नाक कटवा दी और एक जो शादी के बाद भी अफेयर कर रही है। बाबा गलत समझ रहे। बकवास मत कर, मुझे सब पता है। अरे तेरी वजह से समाज में निकलना मुश्किल हो गया है मेरा। चुप भी करो, और कितना कीचड़ उछालोगे दूसरों पर? कभी खुद पे शर्म नहीं आती तुम्हें? हमेशा से तुमने अपनी बातें मुझ पर और बच्चों पर ला दी है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि प्रताप की इन हरकतों से तंग आकर और सोहम ने जो अंजलि के साथ शादी की उसकी वजह से और अपना कॉन्ट्रैक्ट खोने की वजह से मैंने तो इन तीनों का खून नहीं किया। बकवास करती है, कुछ भी बोलती है। सर प्रताप के कॉल रिकॉर्ड में हमें एक नंबर ऐसा मिला है जिस पर कुछ महीने पहले काफी सारी बातें हुई है, और बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक एक अकाउंट नंबर ऐसा मिला है जिस पर लगभग हर महीने पैसे जमा किए जाते थे। सर ये बैंक अकाउंट और फोन नंबर एक ही इंसान के नाम पर रजिस्टर्ड है। नाम क्या है? सर राधिका माने। राधिका माने से तुम्हारे क्या संबंध है? छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम राधिका तक पहुंच चुके हैं। इसलिए तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम पर इतने केस लगाएंगे कि सारी जिंदगी तुम्हारी जेल में गुजरेगी। राधिका माने? हाँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? राधिका मेरे कजिन की बेटी है। बचपन में उसके माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तब से मैंने उसे पाला है। जनार्दन काका और सावित्री काकी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छी जिंदगी दी, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन मंजूषा ताई की शादी के बाद जब से वो प्रताप मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई है। काका ने जबरदस्ती मुझे उसके साथ रिश्ता रखने के लिए मजबूर किया। प्रताप का जब मन करता था वो तब मेरे साथ जबरदस्ती करता था। अपने बच्चे की तरह पाला मैंने उसे, और बदले में उसने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। वो कहती थी कि प्रताप की गंदी नजर है उस पर। काका ने कभी मेरा विश्वास नहीं किया, कभी मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें प्रताप से पैसे मिल रहे थे। सर ये सब 3 साल तक चलता रहा। सर ये सब झूठ है, बकवास है। अगर ऐसा था तो 3 साल तक ये सब कैसे चलता रहा? सर राधिका का दिल आ गया था प्रताप पे, मैंने तो खुद देखा है प्रताप पर उसे डोरे डालते हुए। जैसे ही मैंने अपने ब्यूटिशियन का कोर्स कंप्लीट किया, मैंने वो घर छोड़ दिया और वापस कभी नहीं गई। 2 महीने हो गए मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी, पर प्रताप ने हार नहीं मानी, वो मेरे पीछे पड़ा रहा। और आज जब आप कह रहे हैं कि वो मर गया है, तो मुझे दुख होने की बजाय खुशी हो रही है, क्योंकि उस जैसे गंदे घटिया इंसान को बहुत पहले मर जाना चाहिए था। सर अगर हम राधिका या जनार्दन
इन दोनों में से किसी की एक के बयान को भी सच मान ले, फिर भी राधिका के पास ही प्रताप को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। 3 साल तक प्रताप ने राधिका को अब्यूज किया, उसने अपने बीबी तक को नहीं छोड़ा और इसे भी छोड़ना नहीं चाहता था, और इसीलिए इन सब से मुक्ति पाने के लिए और बदला लेने के लिए राधिका ने प्रताप के ऊपर गोली चलाई होगी और गलती से सोहम और अंजलि दोनों मारे गए होंगे। शिंदे, इस राधिका पर नजर रखो, पता करो इसने किसी से कोई गन तो नहीं खरीदी थी या किसी को सुपारी दी हो, या ये भी हो सकता है कि उसने किसी के साथ मिलकर प्रताप को मारने की प्लानिंग की हो। ओके सर। ए, क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ तेरा? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि झूठी इज्जत और पैसे कमाने के लिए आप सच को कितना दबाओगे। क्या हम नहीं जानते हमारे घर में राधिका पर क्या गुजरी है? उस बेचारी राधिका ने क्या नहीं सहा? क्या प्रताप ने? फालतू बात मत कर, जिस चीज की अकल रही हो ना उसके बारे में बकवास नहीं करनी चाहिए। तेरी नजर में तो बिल्कुल कभी सही था ही नहीं, मैंने कभी कोई सही काम किया ही नहीं। जब घर से बाहर निकलोगी ना, समाज में जिंदा रहने के लिए और घर चलाने के लिए हाथ पैर मारोगी ना, तब जाकर पता लगेगा कि दुनिया क्या है और कैसे चलती है। बकवास करती है। सर, हमने राधिका के घर और ब्यूटी पार्लर के आसपास चेक किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हम ये कह सके कि राधिका ने प्रताप को मरवाया हो या किसी को सुपारी दी हो, और उसने गन खरीदने के कोई सबूत भी नहीं मिले। हेलो, अरे भाई तुम्हारे पैसे दे दूंगा मैं, कहीं भागा जा रहा हूं क्या? भरोसा रखो ना, बोल रहा हूं कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, दे दूंगा। कैसे हैं आप? काफी बिजी लग रहे हैं, कैसे चल रहा है आपका काम? काम तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा, लेकिन हमें तो ये पता चला है कि आप कंप्लीटली नेहा के पिता के ऊपर डिपेंडेंट थे, और जब नेहा के साथ आपके बेटे का रिश्ता टूटा तो आपसे सारे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिए गए, और ऊपर से कमेटी ने इंक्वायरी बिठा दी ये पता करने के लिए कि पिछले 15 साल से आपने कितनी ईमानदारी से काम किया। सही बात है, हमारे धंधे में ये सब तो चलता ही रहता है। तो अचानक आपके बेटे के मर्डर के बाद आपकी आर्थिक हालत कैसे सुधर गई? हालत तो सुधरने वाले थे, कमिटी ने सब इल्जाम वापस ले लिए, क्योंकि जनार्दन शिर्के के खिलाफ मेरिट में कुछ साबित ही नहीं हुआ। हो सकता है कि इत्तेफाक हो कि मेरिट में कुछ नहीं मिला, पर बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। जब बेटे की शादी होने वाली थी तो कोई भी तुम्हें एक भी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा बेटा और बहू मरे तुम्हें सब कुछ वापस मिल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना सब कुछ वापस पाने के लिए तूने खुद ही अपने बेटे और बहू को मरवा दिया हो, और प्रताप तो वैसे ही तुम्हारे गले की हड्डी बना हुआ था, उसे भी रास्ते से हटा दिया हो? आप मुझ पर झूठा और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उसने अपनी बेटे की शादी मेरे बेटे से करने के लिए इनकार किया था, इसलिए इस बात का बदला लेने के लिए मैंने कमेटी बिठाई थी। सर, सोहम के मौत के बाद जनार्दन मेरे पास आया और रोने लगा, ये सब उसके बेटे की गलती थी। वो खुद अपने बेटे की शादी मेरी बेटी नेहा के साथ करवाना चाहता था, लेकिन औलादी ऐसे निकली वो तो क्या करे। सर, 20 साल से मेरी और उसकी जान पहचान थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे माफ कर दूं, और मैंने कभी उसे सोहम की हत्या करने के लिए नहीं कहा था, और ना ही कभी मैंने उसको धमकाया था। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुमने अपने फायदे के लिए जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी प्रताप से करवाई, और फिर राधिका से फायदा उठाने के लिए उसे भी बलि पर चढ़ा दिया, और अपने बेटे की शादी नेहा से करवाने की सोची ताकि उसके बाप से फायदा उठा सको, और जब सोहम ने तुम्हारे प्लान को चौपट कर दिया तो तब तुमने सोहम और अंजलि दोनों को मरवा दिया। अब जल्दी से बता दो, किससे करवाया है काम, किसे सुपारी दी थी, बोल। साहब, मैं सेल्फिश नहीं हूं, आज की इस जोड़ तोड़ की दुनिया में जैसे जिंदा रहा जाता है बस मैं भी वही कर रहा था, पर मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, अपने परिवार के लिए कर रहा था, पर इस सबके लिए मैं किसी को मार नहीं सकता। सोहम तो मेरा अपना बेटा है। अच्छा, तो रघुनाथ से मिलने के लिए क्यों गया था, वो भी तुरंत अपने बेटे की मौत के बाद? तेरे जैसा बाप अपने बेटे की मौत का भी फायदा उठा सकता है। फायदा नहीं साहब, मजबूरी, घर में 3 सदस्य हैं तो उनके लिए भी तो पैसा चाहिए था। सोहम की मौत के बाद मैं रघुनाथ जी से इसलिए मिला था कि मेरी रुकी हुई आमदनी फिर से शुरू हो जाए। आज तक तुमने जो कुछ भी कहा है झूठी कहा है, इसलिए तेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने सोहम को नहीं मारा साहब। हाईवे पर हुए इस हादसे में जिसमें 3 लोगों की जान गई थी,
संदिग्धों की कमी नहीं थी। मंजुषा, जनार्दन, इरफान, अंजलि का परिवार, नेहा का परिवार, राधिका, सभी के पास कत्ल का मकसद था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जो कि इनमें से किसी को भी कातिल साबित कर सके। पुलिस के पास रास्ते अनेक थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे हर रास्ता एक बंद गली में खत्म हो रहा है। और तभी आंख मिचोली खेलने वाले इस केस में पुलिस को हत्या का हथियार मिला और कड़ियां जैसे खुद ब खुद जुड़ने लगी। बिच्छू, मेरी मारी, अभी मुझे दे बंदूक, अभी सूझू। ये बंदूक तुम्हें कहां से मिली? वहां से मिला। इसे पहचानती हो ना? इस गन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं। अब बात को बिना घुमाए फिराए सब कुछ सच सच बताओ, क्या हुआ था उस दिन? ये गन मैंने प्रताप को मारने के लिए खरीदी थी, और बीच में ही सोहम का फोन आया था कि उन्हें पूना तक लिफ्ट चाहिए। तब मैंने प्रताप को मारने का अपना फैसला टाल दिया, पर ऐसा करने के लिए मुझे अंजलि और सोहम ने उकसाया था। उकसाया मतलब? वो दोनों हमेशा खुश ही रहते थे, उन्हें जो चाहा वो मिला, मुस्कुराते थे, एक दूसरे की केयर करते थे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी, मैं भी तो उसी परिवार की थी, फिर मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? जब से शादी हुई थी बस रो रही थी, बेइज्जत हो रही थी। मुझे वो खुशियाँ कभी नहीं मिली जो उन्हें मिली थी। फिर एक दिन ये सब देखते सोचते मुझे क्या हो गया, मैंने सबको मार डाला। की जान लेने से बेहतर होता कि तुम अपने आप को समझाती, एक सही फैसला लेने की हिम्मत जुटाती। तुम्हारे एक गलत फैसले ने दो मासूमों की जान ली है। काश तुम्हें पता होता कि अपराध का रास्ता किसी को आजाद नहीं कर सकता, सिर्फ बंदी ही बना के रख सकता है। ऐसा कहते हैं कि अकलमंद से अकलमंद इंसान भी अपने दिमाग का सिर्फ 2-3% ही इस्तेमाल करता है, बाकी के बचे हुए प्रतिशत में क्या है यह हम नहीं जानते। और शायद उसी का एक हिस्सा है मंजुषा की हालत, जिसने उसे गुनहगार बना दिया। लेकिन इंसान की चेतना भी कमाल है, अगर वो जागृत रहे तो इंसान को भगवान, और अगर सो जाए तो भगवान को भी शैतान बना सकती है। और शायद यही हुआ था मंजुषा के साथ। उसने अपनी हालत के सामने समर्पण नहीं किया था, लेकिन विरोध और बेहतरी का जो रास्ता उसने निकाला था वो उसकी पहले की हालत से ज्यादा भयानक था। जनार्दन जैसे लोग जो समाज और दुनिया की दुहाई देते हैं, अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, उन्हें दूसरों पर थोपते हैं, असल में वो गुनाह की खेती कर रहे होते हैं, और उसी गुनाह की फसल उन्हीं के आसपास उगकर उन्हीं की तबाही का कारण बनती है। मंजुषा को सोहम, प्रताप और अंजलि के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। अपनी हालत के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराने से पहले अपने आप को जांच लें कि कहीं आप अपनी हालत के सुधार के लिए किसी दूसरे को संघर्ष करते हुए तो नहीं देखना चाहते। हर गलत बात का विरोध करें और सही समय पर आवाज उठाएं, यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।